सो ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, मैं हूँ प्रेम, और गाइज आज आ चुके हैं हम हीरो के शोरूम में। तो गाइज आज हमारे साथ है हीरो मोटोकॉर्प की ओर से आने वाली स्प्लेंडर 01 एडिशन। गाइज ये बाइक में आपको अलग से मॉडिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बाइक में गाइज कंपनी पहले से ही आपको मॉडिफाइड कुछ कुछ चीज़ देती है, जैसे कि यहाँ पे हमें मॉडिफाइड ग्रेबरेल हो गया, यहाँ पे हमें टैंक पे इसका काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स दिया गया है, स्प्लेंडर लिखा हुआ है, और यहाँ पे फ्रंट से भी गाइज हमें यहाँ पे सिल्वर कलर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे लाइनिंग की गई है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स दिया गया है। ये बाइक गाइज 2024 मॉडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे E20 का बैचिंग भी दिया गया है। ये बाइक अब E20 OBD2 सेंसर के सपोर्ट के साथ भी आती है। अब आप इसमें 20% इथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस बाइक का गाइज हमें ऑन रोड प्राइस आरा चनवा में 93,536 रुपया पड़ता है। इस बाइक पे EMI की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और अगर आपको हीरो का कोई भी बाइक देखना है तो आप शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे शोरूम का कांटेक्ट और एड्रेस शो हो रहा होगा। तो चलो गाइज बात करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में गाइज यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ग्रे कलर में यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें हीरो स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर देखने को मिलता है। और गाइज फ्रंट में हमें यहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है विथ पार्किंग लाइट, और इसके अंदर गाइज हमें हैलोजन में ही टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और गाइज इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा फाइबर में मैट फिनिश में यहाँ पर इसका मडगार्ड देखने को मिलता है। और गाइज इसके अंदर हमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर गाइज हमें मडगार्ड पे एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज हमें इस बाइक का टूल बॉक्स दिया गया है, और इस बाइक के अंदर गाइज हमें सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है। बात की जाए गाइज बाइक की टायर साइज की, तो फ्रंट में हमें 18x118 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और गाइज इस बाइक के अंदर गाइज हमें IBS देखने को मिलता है, इंटीग्रेटरी ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे कि आप कॉम्बी ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। और गाइज यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा क्रोम फिनिश में लेग गार्ड देखने को मिलता है। गाइज बात की जाए बाइक की टैंक की, तो यहाँ पे हमें 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो कि आपको इजली 65-70 का माइलेज प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 का बैचिंग दिया गया है, और यहाँ पे हमें टैंक पे गाइज बड़े अक्षरों में स्प्लेंडर प्लस का स्टिकर दिया गया है, और यहाँ पे हमें 3D में हीरो की बैचिंग दी गई है। और गाइज बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें सीट देखने को मिलता है, और यहाँ पे वाइट कलर से इसका स्टिचिंग किया गया है। और गाइज पीछे हमें यहाँ पे मॉडिफाइड वाला स्पोर्टी ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। पहले गाइज ऐसा इसमें ग्रैब हैंडल नहीं देखने को मिलता था, पहले लोग इसमें ऐसा ग्रैब हैंडल बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराते थे, पर अब आपको इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी से ही मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं i3S का ब्रांडिंग किया गया है। साइड पैनल पर गाइज यहाँ पे हमें स्प्लेंडर प्लस का 3D में लोगो देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा 01 का ग्राफिक्स मिलता है। और गाइज इस बाइक के अंदर यहाँ पे हमें किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है, और गाइज यहाँ पे हमें यहाँ ब्रेक लीवर दिया गया है, और इसके अंदर हमें एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें कैटलेटिक कन्वर्टर दिया गया है, और यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट भी हमें एडजस्टेबल देखने को मिलता है। और गाइज इस बाइक के अंदर हमें 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। गाइज बात करें बाइक के रियर टायर की, तो रियर में हमें 18x118 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें मैट फिनिश में इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलता है पहले वाला ही। रियर में कुछ इस तरीके का बाइक का लुक रहने वाला है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर हैलोजन टेल लैंप देखने को मिलता है विथ हैलोजन इंडिकेटर्स, और यहाँ पे नंबर प्लेट का जगह दिया गया है, और यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है, और फाइबर में इसका हमें रियर मडगार्ड देखने को मिलता है। बात की जाए गाइज लेफ्ट प्रोफाइल से, तो लेफ्ट में यहाँ पे हमें सारिक गार्ड मिलता है विथ लेडीज फुटरेस्ट। इसके अंदर गाइज हमें कवर चेन देखने को मिलता है, जो कि आपको इजी टू मेंटेन रहने वाला है। और इस बाइक के अंदर गाइज हमें 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और इसके अंदर गाइज हमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी देखने को मिलता है, और इसमें हमें साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों का फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे हमें पावर स्टार्ट FI की स्टिकरिंग दी गई है, और इसके अंदर हमें लेटा हुआ इंजन देखने को मिलता है। गाइज बात करी जाए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर हमें काफ़ी तगड़ा इंजन देखने को मिलता है, जो कि 97.2 cc का एयर कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपका मैक्स पावर 8.2 PS की प्रोड्यूस कराता है एट द रेट 8000 RPM पर, और इसका मैक्स टॉर्क 8.05 Nm का है एट द रेट 6000 RPM पर।
गाइज इस बाइक के अंदर हमें 112 केजी का कॉर्बेट देखने को मिलता है और गाइज इसके अंदर हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है और गाइज यहाँ पे हमें 1236 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा व्हील बेस है। इसके अंदर गाइज हमें 90-95 की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। गाइज बात कर जाए बाइक की हैंडल बार की तो यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश में इसका हैंडल बार देखने को मिलता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें काफ़ी लाइट इसका क्लच देखने को मिलता है और यहाँ पे गाइज हमें लो बीम हाई बीम का स्विच दिया गया है और यहाँ पे हमें टर्न इंडिकेटर्स का स्विच दिया गया है और यहाँ पे हमें हॉर्न का स्विच दिया गया है। मैं आपको इसका हॉर्न बजा कर सुना देता हूँ, काफ़ी अच्छा सा इसका हमें हॉर्न देखने को मिलता है। और गाइज बात करें लेफ्ट राइट साइड से तो राइट में यहाँ पे हमें i3s का स्विच दिया गया है जो कि आपको फ्यूल सेव करने में हेल्प करता है और यहाँ पे हमें सेल्फ स्टार्ट का स्विच दिया गया है। गाइस बात कीजिए बाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पे हमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें 140 तक की मार्किंग की गई है स्पीडोमीटर में। यहाँ पे हमें साइड स्टैंड का इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पे i3s का इंडिकेटर दिया गया है और गाइस यहाँ पे हमें न्यूट्रन का इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पे इंजन लाइट का इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पे हमें हाई बीम का इंडिकेटर दिया गया है। ऊपर में गाइज यहाँ पे हमें फ्यूल गेज देखने को मिलता है और गाइज यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा यूएसबी पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलो गाइज अब आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। तो गाइज ये है बाइक का आइडियल एग्जॉस्ट नोट। चलो अब थोड़ा सा रैप करते हैं। तो कुछ इस तरीके का है गाइस बाइक का एग्जॉस्ट नोट।